भ्रष्टाचार दूर करने वाले दावे बीजेपी के नेता खूब करते हैं, बीजेपी नेता, लेकिन खुद ही इस मुद्दे पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पानीपत नगर निगम के साथ सभी 26 निगम पार्षदों ने मौजूदा मेयर के पिता पूर्व मेयर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व मेयर ने भी पलटवार करते हुए कहा, भ्रष्ट मैं नहीं हूं, कमीशन निगम परिषद ले रहा है और बदनाम मुझे किया जा रहा है। पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार के मसले पर निगम पार्षद और पूर्व मेयर आमने सामने हो गए हैं। पहले सभी मिलकर विकास की गाड़ी तेज दौड़ाने की बातें करते थे, अब आपस में घुल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह नाटक करता है, दरअसल वो ही सिस्टम का हिस्सा बन गया है। भूपेंद्र का जवाब मिला, मुझ पर बेबुनियाद आरोप है, पार्षद ही कमीशन ले रहे हैं, बदनाम मुझे करते हैं। अब आपको सुनकर ताज्जुब ये होगा कि एक आध को छोड़कर ये सब बीजेपी वाले हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पार्टी को लड़ाई लड़नी है। नहीं, उस पर ऐसी कोई लंचन वाली ऐसी कोई बात नहीं हुई। आम तौर पर सामान्यतः जब चार दोस्त बैठते हैं, चार भाई बैठते हैं या पूरा परिवार बैठता है तो चर्चा होती है, हम कहाँ, हमारे में कहाँ कमी है, किसके अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर कहाँ कमी है, उसमें कहाँ कमी है, तो कहीं ना कहीं हम उन कमियों को दूर करके ही तो इस शहर का सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या एक पूर्व मंत्री और बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे एक निर्दलीय विधायक के भ्रष्टाचार पर एक दूसरे को कटघरे में खुलेआम खड़ा करने के साइड इफेक्ट्स हैं कि नीचे वाले भी अब यही रवैया दिखाने लगे हैं? ज्यादातर निगम पार्षदों को एक समस्या थी कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जनता उनको आके बोलती है अभी हमारे काम नहीं हो रहे, दिक्कत आ रही है, सैनिटेशन को लेके बहुत बड़ा इस शहर के अंदर हो हल्ला मचा हुआ है, तो उसको लेके कुछ निगम पार्षद सामान्य रूप से एक चर्चा हुई, उस चर्चा के अंदर कुछ बातें निकल के आई, सभी ने आपस में बैठकर एक विचार विमर्श किया और एक बातचीत ये भी आई कि भाई सैनिटेशन के नाम पर जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का पेमेंट दी जा रही है उससे निगम पार्षद सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आज भी सफाई के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। गौरतलब है कि अपने गठन के 6 साल में भी पानीपत नगर निगम कभी अपनी साख नहीं बना सका, कभी निगम की अफसरशाही इस मुद्दे पर कटघरे में है तो कभी खुद बीजेपी पार्षद। लगता है बीजेपी वाले दिल्ली के ताजा सबक को ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही रटना, मर्जी है आपकी क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। सहयोगी दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।